बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज महविश एंड यू आर वाचिंग योर वे ऑन चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद महविश। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग छोटे छोटे सर्विस करके दिन के $10 कमाना चाहते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा $50 से $60 कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आज आप लोग जिस वेबसाइट पर काम करेंगे वहाँ पर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उनकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज़र हैं या फिर एंड्रॉयड यूज़र हैं, दोनों ही तरह से आप गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर जाकर उनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग अपना काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऐप पे काम करना ज़्यादा इजी होता है। जस्ट आपने बस उसमें लॉगिन तो किया होता है, जस्ट आपने उस पर टैप करना होता है, ओपन करना होता है, और आप अपना काम कर लेते हैं। काम करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ सर्विस है या फिर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करना है, तो दोनों तरीक़ों से आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी कोई सर्विस करवाना चाहते हैं दूसरे लोगों से, तो वो भी आप लोग यहाँ पर क्रिएट करके दूसरे लोगों से अपनी सर्विस करवा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिलने के यहाँ पर चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेते हैं, आपको हर आने वाले सर्वे का नोटिफिकेशन फ़ोन से मिल जाएगा, ताकि आप लोगों से कोई सर्वे मिस ना हो। तो आप लोग नोटिफिकेशंस को ऑन करके यहाँ से कोई भी सर्वे मिस किए बगैर उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अर्निंग के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो भी वाइडली एक्सेप्टेड है। आप बड़े इजीली अपने पैसे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हुए अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो जनाब, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान काम है, तो वीडियो में आपको मैं इसकी डिटेल बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम आ जाएंगे क्रोम पर, और यहाँ पर हमने टाइप करना है मार्केट एजेंट। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, आपके सामने जो सर्च पे वेबसाइट शो होगी, यही हमारी आज की वेबसाइट है। इस पर आपने क्लिक करना है, ऑल कुकीज को आपने एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है, हम लोग इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा रजिस्टर और पैनल लॉगिन, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं इसलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये लोग दूसरी कंपनीज के लिए सर्विस तैयार करवाते हैं, लोगों से सर्विस लेते हैं, और उन सर्विस के बेसिस पर उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग लोग फिर अपने कंपनीज में या अपनी इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। यहाँ पर आपको एक वीडियो नजर आ रही है, इसको भी आप प्ले करके इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। नीचे आप देखिए तो ट्रस्ट पायलट पे ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर है 4.5 आउट ऑफ 5 है, जो कि एक्सीलेंट स्कोर है। उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो एप्पल आईडी, फेसबुक या फिर गूगल के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैनुअली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको क्या अच्छा चाहिए कि मिनिमम लेंथ उसकी 8 फैक्टर्स की होनी चाहिए। पासवर्ड कोई ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता, और पासवर्ड के अंदर 2 कैपिटल लेटर्स, 2 डिजिट्स और 2 स्पेशल कैरेक्टर्स होने मस्ट हैं। ऐसे करके आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद देखिए जी, कंट्री है तो हम लोग पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेप्ट जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, दोनों पे आपने टिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर अकाउंट साइन अप हो गया है। उसके बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, यहाँ पर एक्टिवेशन कोड आपने देना है। ये कोड आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। आपने अपनी ईमेल को ओपन करके यहाँ से अपना कोड ले लेना है, यहाँ पर आपने अपना कोड पुट करना है, उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके सामने वाला पेज ओपन होगा, वेलकम टू मार्केट एजेंट। यहाँ पर आपने एक्सप्लोर मार्केट एजेंट पे क्लिक करना है। योर ओपिनियन काउंट्स एंड पेज ऑफ, यानी कि आप अपने सर्वे को कंप्लीट करते हैं, आपकी ओपिनियन ली जाती है, वो मैटर करती है, उसको काउंट किया जाता है और उसकी आपको पेमेंट दी जाती है। नीचे आपके पास एक सर्वे अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले हम लोग नीचे के ऑप्शंस देख लेते हैं। करंट बोनस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, प्रोफाइल है, उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, मिनी सर्वेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। करंट बोनस पॉइंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके बोनस पॉइंट्स नज़र आएंगे, जो इस वक्त 50 हैं, यानी कि जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स फ्री के मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी डेट डे वगैरह मैंशन है कि कब आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने पॉइंट्स आए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पर। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग को मज़ीद सर्वेस मिला करेंगे। कंट्री हमने ऑलरेडी साइन अप के टाइम पे सेलेक्ट कर ली थी, दैट इज़ पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, देन सिटी साइज, मतलब आप जिस सिटीज़ में रहते हैं उसकी कितनी पॉपुलेशन है। लेस देन 5000 सिटीजन्स हैं, 5 से 50,000 सिटीजन्स हैं, या 50,000 से ज़्यादा सिटीजन्स हैं, वो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेनी है ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी जो है वो मैंशन करनी है। फिर आपने पोस्टल कोड मेंशन करना है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका नाम लिखकर आपने गूगल पर लिखना है, तो आपको जो है वो आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्रीट एंड हाउस नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट एड्रेस दें, सिर्फ आप स्ट्रीट नंबर भी लिख सकते हैं। साइज़ ऑफ हाउस होल्ड का मतलब है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, एक हैं, दो हैं या तीन से ज़्यादा हैं। तो जितने लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है, जो आपको सामने आइकन्स बने नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। फर्स्ट पे है कि कोई बच्चा नहीं है, सेकंड पर है कि 1 से 2 बच्चे हैं, उसके बाद 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। नीचे देखिए तो फैमिली स्टेटस है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाती हैं कि सिंगल हैं, मैरिड, डाइवोर्स, विडोड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर कोहैबिटेशन। तो आपकी जो फैमिली स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेटेस्ट फिनिश्ड एजुकेशन, यानी कि अभी आपने रिसेंटली जो भी क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर देख लें, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं आपने किया, तो नन कंप्लीटेड पे आपने क्लिक कर देना है। प्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हाई, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। तो अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप पे ऑप्शन बेस्ट सूट करती है। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसको आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एम्प्लॉयड फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड है, फ्रीलांस वर्कर है, मिलिट्री या सर्विस, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है या फिर मैटरनिटी लीव पर है, हाउसवाइफ या मैन है या फिर अदर। यहाँ पर जो आपको बेस्ट सूट कर रहा है आपने उस पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट इज ब्रांच, यानी कि जो आपने इंडस्ट्री जिसमें भी आप जॉब करते हैं या जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लाइक मेरा एजुकेशन है, मैं एजुकेशन को सिलेक्ट कर लूँगी। आपका जो भी है अपने अकॉर्डिंगली आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट मंथली नेट हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपके घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं उन सब की इनकम को मिलाकर आपके घर में कितने पैसे आ जाते हैं, वो नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से आपके वहाँ जितने भी पैसे टोटल बनते हैं, यानी कि घर के सारे लोगों की इनकम मिलाकर जितनी बनती है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल प्रोवाइडर ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लाइक जैस, टाइन और यूफोन वगैरह आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नहीं देना तो मत दीजिए। डू यू हैव अ कार, अगर आपके पास कार है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सेकंड को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ऊपर वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारा जो न्यूज़लेटर है उसको सब्सक्राइब करना है या नहीं, तो उसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी प्रमोशंस या सेल्स वगैरह ये लोग लगाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, ईमेल आ जाती है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सेव कर दिया अपने प्रोफाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सर्वे विद कॉर्पोरेशन पार्टनर। 5 मिनट्स का ये सर्वे है। स्टार्ट द सर्वे पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने सर्वे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो आपको तो पता ही होगा कि ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है। मेरे ख्याल में वेडनेसडे है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर करने के बाद नीचे जो आपको ब्लू कलर का टिक नजर आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपने सर्विस लेना पसंद करते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड उर्दू। आपने इन दोनों लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करके ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज योर जिप कोड। इतनी मर्तबा आपसे जिप कोड पूछा जाता है, अब तो आपको अपने एरिया का जिप कोड याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने अपने एरिया का जिप कोड देना है। जैसे ही आप देंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएंगी कि आप फलां जगह से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के फलां एरिया से बिलोंग करते हैं। आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं देना चाहते आंसर तो प्रेफर नॉट टू से पे आपने क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यहाँ पर आप हर क्वेश्चन का आंसर लाजमी दीजिए ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेज हैं वो आपको मिल सके। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को स्किप करते जाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो फिर आपको सर्वेज भी बहुत कम मिलेंगे या हो सकता है कोई भी सर्विस आपको मिले ना। नेक्स्ट इज प्लीज स्पेसिफाई योर करंट मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, सिंगल हैं या फिर प्रेफर नॉट टू से। तो यहाँ भी आपका जो भी स्टेटस है उस पर आपने क्लिक करके ब्लू टिक के निशान पर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन 5 हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है या 6 और इससे ज्यादा हैं, प्रेफर नॉट टू से। यहाँ पर आप लोगों ने स्पेसिफाई कर देना है कि आपके यहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं। ब्लू टिक पर हम लोग ने क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपने हासिल की है वो क्लिक कर देनी है, ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। यूनिवर्सिटी तक गए हैं आप लोगों ने, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जो भी आपने पास किया उस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताइए कि आप एम्प्लॉयड फॉर वेजेस हैं, यानी दिहाड़ीदार मजदूर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी आपका अपना बिजनेस है, आउट ऑफ वर्क एंड लुकिंग फॉर वर्क यानी आपका कोई काम नहीं है और आप काम ढूंढ रहे हैं या फिर आपके पास काम नहीं है और काम भी नहीं ढूंढ रहे, हाउस मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, मिलिट्री, रिटायर्ड, अनेबल टू वर्क, काम कर ही नहीं सकते, या फिर अदर पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपका जो दिल करता है यहाँ पर जो आपको बेस्ट सूटेड ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करके टिक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने वो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें आप काम करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग या फिर हंटिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, होटल एंड फूड सर्विसेज हैं, कोई इंफॉर्मेशन का बिजनेस है आपका या जॉब है, जो भी जॉब की कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर देनी है। प्लीज स्पेसिफाई योर एथनिसिटी, यानी कि आप किस नस्ल से हैं, अरब हैं, एशियन, ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक, जो भी आपकी है। तो हमारी है जी एशियन, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, एशिया में रहने वाले हैं, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में रहने वाले लोग भी एशिया ही सिलेक्ट करेंगे। प्लीज इंडिकेट योर टोटल हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपके घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं वो मिलाकर जितनी इनकम इकट्ठी होती है आप लोगों की वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो हमारी तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है उससे भी काफ़ी कम इनकम होती है, यानी अंडर 14,40,000 PKR, तो जी हमारी 14 लाख से कम नहीं होती है। तो आपने फर्स्ट वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर देना है, मोस्टली लोगों की यही वाली ऑप्शन आएगी। अच्छा, व्हाट इज़ योर प्राइमरी रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं वहाँ पर आपका प्राइमरी रोल क्या है, किस किस्म की आप वहाँ पर जॉब करते हैं, ऑनर या पार्टनर हैं, वहाँ पर आप ऑफिसर हैं, मैनेजमेंट में हैं, डायरेक्टर हैं, जो कुछ भी हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल लोकेशंस, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या उसके ऑनर हैं उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं। ऑल लोकेशंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेटर्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं या उनके डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, तो उन सब को मिलाकर कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बल्कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू प्रोफाइल कंप्लीट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो आपने प्रोफाइल सर्वे अपना कंप्लीट किया है, ये पोल फिश वालों की तरफ से आपने अपना सर्वे जो कंप्लीट किया है, और आपको पता होगा कि पोल फिश के और सर्वेस जो हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, वाकई में रियल होते हैं, वो लोग बहुत ढेर सारे सर्विस करवाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर सेकंड पे देखिए क्रिएट ओन मिनी सर्वे, यानी कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के लिए किसी किस्म का सर्वे करवाना है, या फिर आप कोई थीसिस वगैरह कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई सर्वे वगैरह करवाना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सर्वे खुद का तैयार कर सकते हैं और वो लोगों से करवा भी सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट अस एंड गेट 50 बोनस पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर आप अगर रेफरेंस बनाते हैं तो आपको हर फ्रेंड के बदले 50 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बोनस पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपना जो लिंक है वो डायरेक्ट ईमेल के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं, और इसके अलावा लास्ट पे आप देखें तो लिंक है तो उस पर आपने क्लिक करना है, आपके पास लिंक आ जाएगा, उस लिंक को डायरेक्टली आप जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर उसको आप प्रमोट करते हैं, आपके थ्रू जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो हर आने वाले बंदे के बदले में आपको यहाँ से 50 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने होम पेज पर, तो देख लेते हैं कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए कोई सर्वे अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है जनाब, आपने इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट पर है ब्राउजर नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई सर्वे आएगा तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके पास एक पुश मैसेज आ जाएगा आपके ब्राउजर पर जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सर्वे आ गया है। इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। न्यूज़लेटर है तो यानी कि अगर यहाँ पर कोई प्रमोशंस लगती हैं, कोई सेल्स वगैरह लगती हैं, किसी किस्म की कोई भी आपको ऑफर दी जाती है तो वो आपको न्यूज़लेटर के साथ, अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा, इस ऑप्शन का आपने ऑन किया होगा तो आपको ईमेल के थ्रू न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट है जी टेलीग्राम, अगर आपने अपनी जो सर्विस वगैरह हैं उनको रिट्रीव करना है, उनके बारे में आपने जानना है, उनको आपने वापस देखना है तो आपने टेलीग्राम ऐप को यूज़ करना है। नीचे देखिए गेट आवर ऐप, डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर और गेट इट ऑन गूगल प्ले, यानी कि ऐप स्टोर आईफोन यूज़र्स और जो गूगल प्ले यानी कि एंड्रॉयड वाले जो हैं वो सब लोग यहाँ से इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐप पर काम कर सकते हैं। थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और एक्सचेंज एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेमेंट मेथड्स ओपन हो जाए। फर्स्ट है स्क्रिल, सेकंड है पेपाल, उसके बाद नीचे देखिए तो एंजल बेबीज मेमोरियल और ग्रो माई ट्री, इन दोनों को आपने छोड़ देना है। पाकिस्तान में रहने वाले स्प्रिल के थ्रू अपनी पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोग पेपाल के थ्रू अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे। स्प्रिल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए जी वो कह रहे हैं कि 1025 और 5000 पॉइंट्स जब आपके पास हो जाएं तो आप लोग यहाँ से अपनी ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। सेकेंड पे है कि वो कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन करवाने के लिए आपका रजिस्टर्ड स्प्रिल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इस लिंक पर जाकर फ्री का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको आपकी पेमेंट मिल जाती है। नीचे आपने अपना अकाउंट नेम देना है, पॉइंट्स देख लीजिए कि कितने आपने पॉइंट्स रिडीम करवाने हैं। 1000 पॉइंट्स रिडीम करवाते हैं तो आपको तकरीबन $11 मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ से 2500 पॉइंट्स रिडीम करवाते हैं तो आपको तकरीबन $27.5 मिलते हैं। और अगर आप 5000 पॉइंट्स रिडीम करवाते हैं तो आपको $54.78 यानी लगभग $55 आपको मिल जाते हैं। ट्रांसफर पे आपने क्लिक करना है तो आपकी जो अमाउंट है वो आपके स्प्रिल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जनाब इस तरीके से छोटे छोटे सर्विस करके आपने यहाँ से अपनी अर्निंग करनी है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इस अपने जो लिंक है उसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके थ्रू यहाँ पर आएँ और आपको बोनस पॉइंट्स मिल सकें। इसके अलावा जनाब आपने यहाँ पर अपना जो नोटिफिकेशंस हैं इसके वो ऑन कर लेने हैं ताकि आपको इन टाइम सर्विस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि सर्विस फॉर एवर नहीं होते, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ चंद घंटों के लिए होते हैं, कुछ 1 से 2 दिन के लिए हो जाते हैं। तो इसलिए आपने वक्त रहते सर्विस को कंप्लीट करना है। जितने ज़्यादा सर्विस को आप कंप्लीट करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप अचीव करेंगे और उतने ही ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।